Next problem, a beam of electrons emitted from electron gun G. This is the electron gun G, जहाँ से beam of electron emit हो रहा है. Is accelerated from electric field capital E. The area of cross section of the beam remain constant as the beam moves away from G electron gun. Now ये option दिए हुए हैं. More than one option correct है. The speed of electron increases. Current constituted by beam increases. The number of electron per unit volume in the beam increases. The number of electron per unit volume in the beam decreases. तो देखिए एक एक करके चेक करते हैं. नाउ ये इलेक्ट्रॉन गन है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपोजिट है. देयरफॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो गया. राइट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे और एक्सीलरेट होंगे तो उनकी स्पीड बढ़ेगी. देखिए यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए वो एक्सीलरेट होंगे. नाउ करंट कंस्टिट्यूटेड बाय बीम इंक्रीजेज. क्योंकि डीक्यू बाई डीटी हमारा चेंज नहीं हो रहा है इसलिए ये करंट कंस्टिट्यूटेड बाय बीम इंक्रीज नहीं होगी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द बीम अब इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज कर लेगा. तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं क्या होगा. दिस इज द फिगर. अब इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे तो क्या होगा कि एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होते जाएगी. राइट इलेक्ट्रॉन की संख्या के चूंकि एक्सीलरेट होंगे तो इनके बीच का गैप बढ़ते जाएगा. तो देयरफॉर ये ऑप्शन जो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम इन द बीम डिक्रीजेस दूसरी ऑप्शन हो गई. तो पहला ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए एंड सेकंड ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी. दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. ओके.